हम रामलला के भव्य मंदिर के अंदर पहुंचे हैं। ये गर्भगृह है, आप देखिए गर्भगृह में किस तरीके से पताका लगाई गई है, और उस पताका के साथ साथ जो कहा जा रहा है कि यहीं पर रामलला जो है वो विराजमान होंगे। और सीधे तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि लोगों को जो पूजन पाठ है वो यहीं से शुरू हो रहा है, और यहीं पर आधारशिला जो रखी गई थी उस आधारशिला के साथ ही आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से बनाया गया है। और ये मुख्य जगह है जहां पर पूरी जो रामलला है परिवार के साथ विराजमान होंगे, मुख्य पूजा होगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने बताया कि मेन गर्भगृह के अंदर तक की एंट्री बहुत जल्दी से नहीं मिलेगी, ये पहले से ही तय कर दिया गया है। 30 मीटर से दूर से रामलला के जो दर्शन हैं वो लोग यहाँ पर कर पाएंगे। तो आप देखिए तस्वीरों से कि लगातार जो भक्त थे वो पूजन पाठ करने के लिए भी यहीं पर आते हैं, यहीं पर दर्शन जो अब लगातार जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तब से भी और अभी तक लगातार लोगों को जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू रहता है। तो आपके मुख्य गर्भगृह की तस्वीरों को मैं साझा कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये वो मुख्य जगह है जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। तो इस तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे थे कि रामलला का जो भव्य मंदिर है जो दिसंबर में तैयार होकर के जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसकी तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन तस्वीरें से कितना तैयार कर दिया गया। तो गर्भगृह में देखिए किस मैं अब यहाँ की कलाकृतियाँ भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोर की तस्वीरें उकेरी गई हैं, संगमरमर का ये कि बेहतरीन पत्थर पे किस तरीके से कृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ये कलाकृतियाँ जिस तरीके आपको दिखाया कि साथ बड़ी शांति के साथ धीरे धीरे काम जरूर चल रहा है लेकिन बड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है, उसी सावधानी के साथ काम भी चल रहा है और जल्द ही ये आप लोगों के लिए खुल जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, अयोध्या।